दूसरों की तरफ भी हार्दिक और सूर्या को तूफानी बल्लेबाज मानता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बताते हैं आपको भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे T20I मुकाबले का आखिरी ओवर, जहां आखिरी 6 गेंदों पर भारतीय टीम को जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। तब तक वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों आखिरी दो ओवर डालने के लिए आए टिंकरर, जो कि तेज गेंदबाज से पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने इस तरह से शॉट लगाकर सिंगल ले लिया। 5 गेंदों पर 5 रनों की दरकार थी भारतीय टीम को जीतने के लिए सूर्या स्ट्राइक पर, और सूर्या ने एक गेंद डॉट खेल दी, जिसके चलते अब 4 गेंदों पर 5 रनों की दरकार थी। अगली गेंद पर इस तरह से सामने का शॉट खेला सूर्य कुमार यादव ने, गेंद थिंकनर के हाथों को टच होकर गिर गई और सिंगल चुरा लिया भारतीय टीम ने। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे। दोस्तों जीत के लिए अब 3 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी। इस तरह से हार्दिक पांड्या ने एक और सिंगल लेकर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को दे दी। अब सूर्य कुमार यादव ने अगली ही गेंद पर इस तरह से सामने का मिड ऑन या ऊपर से शॉट खेला और गेंदबाज के सर के ऊपर से इस तरह से चौका चले गया और भारतीय टीम को मिली एक यादगार जीत। दोस्तों लक्ष्य छोटा था, लेकिन भारतीय टीम को लड़ाई कर ये जीत लेनी पड़ी और 6 विकेटों से भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया, जिसमें 26 रन सूर्या ने लगाए और 11 रन हार्दिक ने लगाए। लेकिन दोस्तों आप इन दोनों की जोड़ी को 10 में से कितना नंबर देंगे, इसका जवाब उन्हें कमेंट में एक बार जरूर बताएं।